वड़ा पाव के फ्रेंचाइजी ओपनिंग के लिए आई हूँ. उसका नाम है गोल्डन वड़ा पाव एंड मैंने इसकी काफ़ी तारीफ सुनी है कि जैसे उसका नाम है गोल्डन वैसे उसके वड़े भी काफ़ी गोल्डन और अच्छे क्रिस्पी रहते हैं. सो आई थिंक एक तो सबसे पहली बात मैं मुंबई का हूँ, उसके बाद मैं एक महाराष्ट्र हूँ और मुझे लगता है कि वड़ा पाव से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ. मैं क्या मुझे लगता है पूरा मुंबई का रिलेट करता है वड़ा पाव से. आई थिंक इट्स द लाइफ लाइन ऑफ मुंबई. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही अमेजिंग आउटलेट के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ. तो आई कांट वेट टू गो एंड ईट दैट वड़ा पाव. पब्लिक के बीच में जाके कैसा महसूस हो रहा है? मतलब सेट के ऊपर रहते हैं, गिने चुने लोग रहते हैं, गाड़ी में बैठ के निकल गए एसी गाड़ी में, लेकिन पब्लिक के बीच में आके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे हमेशा पब्लिक के बीच में ना पता नहीं मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है. वो आई थिंक बिकॉज लोग आपको देखना चाह रहे हैं, लोग आपको करीब से समझना चाह रहे हैं, कोई हाथ मिला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है. तो मुझे लगता है वो मुझे एनर्जी ऑब्जर्व करना और एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्साह में आके बिल्कुल एकदम ऐसे चपेट लेता है कोई, तो अच्छा लगता है. मीन उसमें थोड़ा अजीब लगता है, पता नहीं, इट्स जस्ट द लव. तो अच्छा लगता है कि वड़ा पाव से रिलेटेड कोई स्पेशल मेमोरीज जैसे बचपन की कोई याद है या फिर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने दो दिन पहले मेरे मम्मी से कहा था मम्मा वड़ा पाव खाने का बड़ा. मेरी मम्मी ने आके फाड़ फाड़ के देखा और डाइट वाइट के चक्कर में बना दो ना. तो सुबह सुबह मैंने वड़ा पाव और भजिया खाए थे. मतलब आप बर्गर्स खा लो, आप सैलेड्स खा लो, आप इंटरनेशनल खाना खा लो, आप कुछ भी खा लो, आप दिल में हमेशा देसी रहते हो और दिल से आप हमेशा वड़ा पाव ही. जब ऐसा मौसम आता है तो यू कांट थिंक ऑफ अ बर्गर, यू हैव टू थिंक ऑफ अ वड़ा पाव. वड़ा पाव खाली मुंबई का नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल हो गया है अभी, क्योंकि वड़ा पाव यूके में मिलता है, यूएस में मिलता है, दुबई में मिलता है. ऑब्वियसली आई मीन इट्स पीपल आर डेवलपिंग टेस्ट फॉर स्पाइसी फूड एंड आई थिंक वड़ा पाव इज फाइंडिंग इट्स वे ऑल ओवर. इसकी लॉन्चिंग में पहुंचे हैं आप, इससे पहले कोई खाने की चीजों की ब्रांडिंग कर चुके हैं आप? नहीं, वड़ा पाव जैसे कोई इंटरेस्टिंग चीज मिली नहीं ना जिससे मैं जुड़ सकूं. ओके, गोल्डन वड़ा पाव जैसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ये 5 रुपीज 10 रुपीज के प्राइस पे देती है लोगों को, तो इस कंसेप्ट क्या क्या कहना है आपका? तो आप क्या अभी 50 पैसे में चाहती हैं? नहीं, लाइक इतना डिस्काउंट देती है एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स, तो लाइक कोई अच्छा है? नहीं, मुझे लगता है वड़ा पाव, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वड़ा पाव को हमेशा एक हम कहते हैं कि मुंबई की लाइफ लाइन. और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि मुझे लगता है कि सबसे फिलिंग और सबसे अगर कम दाम में, रीजनेबल दाम में अगर हमें कोई चीज़ मिल सकती है तो इट्स एक्चुअली अ वड़ा पाव. तो और ऊपर से जब आप एक वड़ा पाव जैसे एक प्रोडक्ट को लेके जब आप पूरा दुकान खरीद सेटअप करते हो, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप उसमें एक थोड़ी इकोनॉमी भी लाते हो, आप उसमें थोड़ा एक रीजनेबिलिटी भी लाते हो. तो मुझे लगता है 5 रुपीज़ फॉर अ वड़ा पाव कांट गेट बेटर देन दिस. और आजकल क्या रनिंग क्या चल रहे हैं प्रोजेक्ट पर बात करें आपके? रनिंग मेरा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, और कुछ करने का मौका ना ही मिल रहा है ना मैं चाहती हूँ. मेरा शो है मे आई कम इन मैडम, और उसी की लोकप्रियता की वजह से और मैंने जो मराठी में काम किया है उसकी पुण्याई की वजह से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है. सो किस तरह का शो है, पब्लिक को मतलब कैसे एंजॉय कर रहे हैं मे आई कम इन मैडम में अगर बात करें? आप लोगों से पूछो, मैं नहीं, फिर भी आपको पर्सनली भी ऐसा है कुछ नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड इट्स वेरी रियल. ना ही ओवर द टॉप सिचुएशंस हैं, ना ही ओवर द टॉप कैरेक्टर्स हैं. मुझे लगता है स्पेशली मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत रियल है. और इस मैडम की, इस लड़की की जो एक नोकझोंक है, जो एक नॉटीनेस है, जो एक सेक्सीनेस है, और एट द सेम टाइम एक इनोसेंस भी है उसमें, तो वो मुझे लगता है चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है. और लगता है कि बार बार ऐसी कोई एक नॉटी मैडम हमारे ज़िंदगी में भी आए, तो आई थिंक वही चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है उस शो में. हाँ, हमारा जो गोल्डन वड़ा पाव है, गोल्डन वड़ा पाव का ये 12वां शॉप का लॉन्चिंग है आज. इसके पहले हम लोग 3 घंटे के अंदर 11 शॉप का ओपनिंग कर चुके हैं ऑलरेडी. विक्रोली से लेके कल्याण तक हमारे आउटलेट है, और आगे भी हमारा टारगेट है कि कम से कम 200 आउटलेट का टारगेट है यही फिजिकल ईयर के अंदर. हाँ, हम लोगों का ये है कि जो गरीब लोग हैं आज के तारीख में, पहले वड़ा पाव 5 रुपये में बिकता था तो वो आज 25 रुपये में हो गए हैं. तो हमारा जो कंसेप्ट है कि वही है कि जो आज के तारीख में जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा टेस्ट मिले, और अच्छा वड़ा पाव जो चॉइस है उनकी, जो आज मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, तो उनको वो वापस मिले.
सस्ते में, ये हमारा कंसेप्ट है। और बहुत सारे जो हमारे स्टाफ के अंदर बहुत सारे लेडीज लोगों को हमारे पास वैकेंसी है, बहुत सारे लेडीज लोगों को हमने काम दिया है, मराठी लोगों को खास करके साथ में है और भी, लेकिन फोकस हमारा मराठी लोगों के ऊपर है, क्योंकि तो मुंबई का जो वड़ा पाव है वो मुंबई का मराठी लोगों का वड़ा पाव है, तो हमारा वो ध्यान में रख के बहुत सारे लेडीज लोगों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। ये गोल्डन वड़ा पाव हमारा जो क्लाउड नाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्लाउड नाइन गोल्डन ग्रुप जो हमारा है, बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्री बन चुका है ऑलरेडी। अभी 12 शॉप ओपनिंग हो गए, आगे चल के हमारे को 200 से 500 के बीच में ये फिजिकल में ओपनिंग करना है। क्लाउड नाइन और गोल्डन फास्ट फूड और नमकीन ओनर मोहन भाई गणाधर ने खूब खूब शुभेच्छा।